हेलो गाइस, और ये ग्रीन टी है जो आप देख रहे हैं, इसमें कीड़े पड़ गए हैं। ग्रीन टी ये मैंने 2020 में ली थी ये, और इसको मैंने खोला था, कुछ टाइम यूज़ करा था और इसको ऐसे ही रख दिया था मैंने। तो इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ग्रीन टी के साथ, कि इसको ना आपको 2 महीने के अंदर कंज्यूम करना है, और अगर कंज्यूम नहीं करते तो आप देख सकते हैं इसके अंदर कीड़े चल रहे हैं। ये कीड़े, ये देखिए, जूम आउट करता हूँ तो दूर से नज़र नहीं आते कीड़े, जूम इन करेंगे कैमरे से फिर देखिए, छोटे छोटे कीड़े ये ऐसे दिखते हैं। 2 महीने के बाद इसे आप फेंक देंगे, इसको कंज्यूम नहीं करेंगे 2 महीने के बाद, ओपन के बाद, खुलने के बाद। देखिए कीड़े चलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे कीड़े। और मैं इसको कंज्यूम कर रहा था, मुझे कीड़े दिखते नहीं है, मैंने कैमरा से जूम इन करके देखा है इसलिए मुझे दिखे हैं, तो मुझे दिखते नहीं थे कीड़े। तो मैं इसको पी रहा था, काफ़ी टाइम से पी रहा था मैं इसको। ये देखिए, इसके मैन्युफैक्चरिंग 2020 की ही है, और ये अभी एक्सपायर नहीं हुई है, अभी थोड़ा टाइम 3-4 महीने बचे हैं। लेकिन देखिए लिखा है कि प्रोडक्ट क्या कहते हैं, कंज्यूम विद इन 2 मंथ्स, तो ये 2 महीने के अंदर अंदर आपको कंज्यूम करनी है, उसके बाद नहीं कंज्यूम करनी है। दूर से ही दिखेगी नहीं, नॉर्मल दिखेगी, बट जूम इन करेंगे तो देखिए ऐसे कीड़े दिखेंगे। और देखिए अंडे भी दे रखे हैं कीड़ों ने, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये अंडे हैं सारे, कीड़े भी और अंडे भी हैं। ये देखिए छोटे छोटे से अंडे दिख रहे हैं, तो ये बहुत ही अनहेल्दी है। मैं इसको उबाल के पी रहा था तो शायद कीड़े मर गए थे, लेकिन फिर भी बहुत अनहेल्दी है ये। तो 2 महीने के बाद ग्रीन टी को कंज्यूम नहीं करना है, उसको फेंक देना है, क्योंकि कीड़े बहुत बारीक होते हैं, दिखते नहीं हैं नॉर्मली।